तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आप सभी के लिए आज एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ पीएनबी के बारे में कि आप पीएनबी का जो एटीएम पिन होता है उसको जनरेट कैसे कर सकते हैं, आप पीएनबी एटीएम पिन जनरेट कैसे करेंगे। तो गाइज, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाली है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंजाब नेशनल बैंक के बारे में कि आप उसका एटीएम का जो पिन होता है उसको आप जनरेट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो सबसे पहले आपको अपना एटीएम का पिन है वो न्यू बनाना है, यानी कि जनरेट करना है। तो उसको आप कैसे कर सकते हैं, तो सिंपली आपको अपना जो एटीएम है वो ले लेना है। देखिए, मैंने अपना जो एटीएम है वो ले लिया है। हम इसमें से इसको ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने अपना एटीएम है वो ले लिया है। इसके बाद आपको करना क्या है, आपको सिंपली अपना फोन का जो मैसेज है वो ओपन कर लेना है। आपको वही अपना फोन लेना है जिसमें आपका जो एटीएम में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, यानी कि बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है। तो सिंपली मैं ये ले लेता हूँ। इसके बाद आपको सिंपली मैसेज में चला जाना है, यानी कि इनबॉक्स में, और आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। बानवे 640, 92 640। इसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली फिल करना है डी सी पिन, यानी कि बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है डी सी पी आई एन। इसके बाद आपको स्पेस दे देना है और अपने एटीएम के पिन है, यानी कि जो ये 16 नंबर आते हैं वो यहाँ पर आपको फिल कर लेने हैं। चलिए मैं फिल कर लेता हूँ। ये देखिए, मैं फिल कर लेता हूँ। मेरे एटीएम के जो नंबर है वे फिल कर लिए हैं। इतना सब फिल करने के बाद आपको वही अपना मोबाइल नंबर लेना है जो बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड है। तो मेरा सिम 2 रजिस्टर्ड है तो मैं सिम 2 ही ले लेता हूँ। लेकिन हाँ, एक और बात, या तो आपका मोबाइल नंबर है वो अनलिमिटेड होना चाहिए या उसमें बैलेंस होना चाहिए जिससे आपका डीसी पिन है वो सक्सेसफुल भेज दिया जाए। अगर आपका डीसी पिन ये नहीं बैंक तक नहीं भेजा गया तो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी नहीं आएगा। तो चलिए मैं सिम 2 से भेज देता हूँ। ये देखिए, मैंने सिम 2 से भेज दिया है और कुछ ही देर में मेरे नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगा। ये देखिए, ओटीपी है वो आ चुका है। देखिए, थैंक यू डेबिट कार्ड पिन रिक्वेस्ट। ये देखिए, मेरा जो ओटीपी है वो सक्सेसफुल आ चुका है। तो इस तरीके से आप अपने बैंक अकाउंट में जो ओटीपी है वो लगाकर अपने एटीएम में जाकर या अपने मोबाइल से ऑनलाइन अपना एटीएम का पिन है वो बनवा सकते हैं या बना सकते हैं। तो गाइज, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हाँ गाइज, अगर आपको वीडियो रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे उसका सॉल्यूशन करने की। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।